सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजनोत्सव अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देकर बड़ी धूमधाम एवं हर्षोल्लास से आयोजन किया गया। सोमवार को प्रातः उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर महापर्व छठ पूजा का पारण किया जाएगा। भोपाल मारवो रे सुगवा धनुष फेक सुगवा गिर्य मुरझाय पहले पहले छठी में आ जैसे मधुरिम लोकगीतों के मध्य आज पूर्ण भक्तिमय एवं आस्था के साथ बिहार तथा उत्तर भारत का सबसे बड़ा त्यौहार महापर्व छठ के तीसरे दिन 30 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को सूर्यदेव की आराधना हेतु अस्ताचल सूर्य को प्रथम अर्घ्य देकर उपास किया गया। छठी मैया के इस महापर्व में साक्षात देव सूर्य भगवान को बांस के बने सूप में ठेकुआ गन्ना संतरा सेब महतावी केला मूली सुथनी हल्दी नारियल पुआ लडुआ जैसे प्रकृति प्रदत्त अनाजों को पूर्ण पवित्रता एवं स्वच्छता के साथ परंपरागत रूप से तैयार प्रसाद के साथ पानी के कुंड में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। अर्घ्य देते समय श्रद्धालु भक्त एवं परिजनों ने दूध ढारकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। इस महापर्व का पारण 31 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को उदयगामी सूर्य को पारण अर्घ्य के पूर्ण होगा। आयोजन समिति के अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने बताया कि इस महापर्व के सफल एवं पवित्रता के साथ आयोजन के लिए छठ पूजा आयोजन समिति एवं बिहार सांस्कृतिक परिषद द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष 63वें आयोजन में विशेष व्यवस्था की गई थी। एक महीने पूर्व से छठ घाट स्वच्छता अभियान को जारी रखते हुए पवित्रता एवं स्वच्छता के महापर्व छठ पूजनोत्सव की व्यापक तैयारी की गई, जिसमें समिति के सदस्यों एवं छठव्रती श्रद्धालुगण ने नगर निगम एवं भेल की सहायता से पूरे घाट एवं कुंड की सफाई की, जिसका सतत अवलोकन परिषद की संरक्षक श्रीमती कृष्णा गौर विधायक गोविंदपुरा द्वारा किया जा रहा था। भोपाल का सुव्यवस्थित स्वच्छ एवं पर्यावरण संरक्षित छठ घाट का स्थान प्राप्त होने के कारण इस वर्ष श्रीमती कृष्णा गौर विधायक गोविंदपुरा के निर्देश पर अस्थायी स्नानघर महिला छठव्रती के लिए चेंजिंग रूम फव्वारे मंच एवं स्वच्छता हेतु चलित टॉयलेट की विशेष व्यवस्था की गई। इस अवसर पर छठव्रती श्रद्धालुओं के लिए अर्घ्य देने बैठने की समुचित एवं उत्तम व्यवस्था नियोजित पार्किंग की व्यवस्था परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई। था का ये महापर्व हमारे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के कई स्थानों पर बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है और हमारे सरस्वती मंदिर के इस स्थान पर बरखेड़ा के इस स्थान पर बहुत लंबे समय से यहाँ पर छठ मैया का यह पूर्व पर्व मनाया जाता है। 1958 में जब बीएचए की स्थापना का पहला बैच यहाँ आया था तब से यह पर्व मनाने की शुरुआत यहाँ हुई थी और लगातार मनाते मनाते हर वर्ष यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई। एक कुंड से प्रारंभ होकर आज 4 कुंड हमें बनाने पड़े, इतनी बड़ी संख्या यहाँ श्रद्धालुओं की है और लगातार जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है तो यहाँ की व्यवस्थाएं भी हमको बनानी पड़ती है। इस दृष्टि से हमारी लगातार कोशिश यही होती है कि बिहार सांस्कृतिक परिषद भोपाल भेल भोपाल जिस प्रकार से यहाँ पर छठ पूजा का ये महापर्व मनाने के लिए यहाँ व्यवस्थाएं जुटाता है, उनकी जो अपेक्षा हमसे होती है उसको हम हर हाल में पूरा करें। और इसलिए पिछली बार जब उन्होंने यहाँ पर हमसे एक नए कुंड की मांग की थी तो इस बार हमने नए कुंड का निर्माण कराया। उसके बाद बीच में यहाँ पर इस स्थान पर पहुँचने के लिए उस पुलिया के चौड़ीकरण की मांग की थी जिसका नया निर्माण हमने कराया और उसका नाम भी सरस्वती पुलिया रखा है। इस बार उन्होंने मंच पर यहाँ मंच के स्थायी मंच निर्माण की मांग रखी है, आने वाले वर्ष में हम उसको भी पूरा करेंगे। छठी मैया की ऐसी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे ताकि हम जन कल्याण के काम करने के लिए अपने आप को हमेशा सामर्थ्य रखें। दीदी आपने जो कहा वो पूरा किया, ये सत्यता है, हम भी देख रहे हैं और यहाँ के लोग आपको विधायक कम परिवार के सदस्य मानते हैं।
निश्चित रूप से गोविंदपुरा विधानसभा मेरा परिवार है। पूजनीय बाबूजी ने भी इस क्षेत्र की बहुत श्रद्धा के साथ सेवा की है, यहाँ के लोगों का विश्वास जीता है और उसी मार्ग पर चलते हुए बाबूजी के संस्कारों का अनुसरण करते हुए मैंने भी इस क्षेत्र की जनता की सेवा करने का अपना धर्म अपने आप का माना है और अपना तन मन जीवन गोविंदपुरा की जनता के लिए समर्पित किया है। आने वाले समय में भी गोविंदपुरा क्षेत्र के विकास और जनता की सेवा समर्पण के साथ हम करते रहेंगे। सर, भोपाल का सबसे बड़ा ये त्योहार जो है आज यहाँ मनाया जा रहा है और ऐसा लगता है जो छठी माता पूजन होती यहीं पे सबसे बड़ा आयोजन देखने को मिलता है, क्या विशेषता जो सारे परिवार आपसे जुड़े हैं? यहाँ पर बहुत पुराना यहाँ पर व्यवस्था है, जब BHL की स्थापना हुई थी 1958 में बैच आया था उसके पूर्व से ही यहाँ पर लोग छठ पूजा करते थे। बहुत पुराना कुआं है वहाँ पर करते थे, ये नाला जो बह रहा है वो भी कभी स्वच्छ पानी हुआ करता था और वहाँ स्नान करते थे लोग। अब दूषित हो गया है तो कुंड बनाया गया है। लोक आस्था का महापर्व है छठ पूजा, जिसमें प्रकृति का आभार करने के लिए, प्रकृति का जो हम सालों भर उपयोग करते हैं उसका धन्यवाद के लिए ये पूजन रखा जाता है। प्रकृति का पूजन है ये, सभी वर्ग के लोग चाहे गरीब हो अमीर हो सभी लोग ये व्रत रखते हैं और इसमें ना ही बहुत ज़्यादा खर्च आता है और ना ही मतलब जिनकी जो श्रद्धा है वो सभी लोग कर सकते हैं। ये यहाँ पर सरस्वती माता जी का मंदिर स्थापित है और ये पवित्र धाम के रूप में स्थापित हो गया है। चार कुंडों में पवित्र नर्मदा जल भरकर यहाँ पर चारों तरफ चौक चम्बंद व्यवस्था रहती है, सुसज्जित पार्किंग रहती है, फवारे लगाए जाते हैं सावर जिसमें छठ व्रती श्रद्धालु स्नान कर सकें, बढ़िया स्नानागार और चेंजिंग रूम का व्यवस्था की जाती है और चारों तरफ जो है स्वच्छता महीने भर से किया जाता है। इसके लिए मेरा जो कार्यकर्ता यहाँ पर है सभी लोग मेहनत करते हैं, चाहे ये सूरज सिंह हो, चाहे वो धीरेन्द्र सिंह हो, चाहे गिरी बाबा हो, सुनील कुमार हो, संजय शाह जी हो, रामनंदन सिंह हो, धीरेन्द्र सिंह हो, सभी हमारे कार्यकर्ता संतोष भाई हो, सब लोग मिल के पूरे महीने भर से यहाँ पर स्वच्छता साफ सफाई करते हैं और ये आयोजन भगवान आज देख ही रहे होंगे, 20,000 श्रद्धालु यहाँ पर आए, छठ मैया का पूजा किए, आराधना किए। ये पूजा का बहुत महत्व है, इसमें भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दिया जाता है, षष्ठी माता की पूजन की जाती है, मातृशक्ति हमेशा छठ मैया से गाना भी है कि रुनकी झुनकी बिटिया दियो है छठी मैया, यानी सबसे पहले वो पुत्री मांगती है। महिला सशक्तिकरण का ये उदाहरण है, हम जल स्रोतों का पूजा करते हैं, पेड़ वनस्पति और जितना भी प्रकृति का सोर्स है सभी का पूजन किया जाता है। तो मैं इस अवसर पर छठ पूजा आयोजन समिति की ओर से सत्येंद्र कुमार सभी छठ व्रती श्रद्धालुओं को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सत्येंद्र जी, आज विधायक जी ने मंच पे गाना भी गाया और आपकी सारी जो सलते है वो पूरी प्रतिदिन बस होती है, इस बस की अपेक्षा रखी आपने? विधायक जी संरक्षक हैं हमारे और उनके दिशा निर्देश से, आदरणीय श्रीमती कृष्णा के दिशा निर्देश से उनके पूरे व्यवस्था उनके द्वारा होता है और वो पूरा व्यवस्था वो परिवार के हैं, यहाँ के संरक्षक हैं तो उनकी जिम्मेदारी है पूरी व्यवस्था करना और समय समय पर जो भी आवश्यकता होता है, चाहे अस्थाई चेंजिंग रूम का अस्थाई बनाने का उनका है, स्टेज बनाने का, पुलिया में लोगों को समस्या होता था सरस्वती पुलिया का निर्माण करा दिया, अभी सड़क निर्माण और हाई मास्क लगाना, ये सभी व्यवस्था के द्वारा किया गया है। निश्चित तौर पर समाज उनको आभार देता है। पर पूरे भोपाल से लोग आते हैं, बैरागढ़ से भी आते हैं, यहाँ पर मंडीदीप से भी आते हैं, कुलार से भी आते हैं, जहाँ पर भी मैथिली मगही और भोजपुरी समाज के लोग हैं सभी लोग सभी जगह से यहाँ पर 10,000 लोगों का भंडारा होता है, यहाँ माँ का आराधना होता है, मतलब विद्या देवी बुद्धि और विद्या की देवी माँ सरस्वती है उनकी आराधना होती है, मकर संक्रांति का आयोजन होता है, सभी तीज त्यौहार चाहे जीतिया हो, चाहे हरिवंश का तीज हो या फिर सावित्री व्रत हो, जितने भी त्यौहार है सभी का आयोजन होता है, मिलन समारोह होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती आयोजित होता है, पूरे साल भर यहाँ पर त्यौहार होते हैं और समाज के लोग आते हैं और यहाँ पर जो है पवित्र धाम का लाभ उठाते हैं, माता के चरणों में नमन करते हैं।